हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयु सीमा में बदलाव को लेकर क्या स्टेप लिए गए हैं, न्यू वैकेंसीज और कुछ अन्य टॉपिक मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अमेरिका की खोज साथियों कोलंबस ने की थी और आपको पता है जो टॉप फाइव आंसर लिए जाते हैं मॉर्निंग न्यूज़ में, मैं एक बार आंसर बता देता हूँ किस किस के करेक्ट आंसर है और इसके बाद जो आज का क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो साथियों विकास गुप्ता, विजयपाल शर्मा, नीरज कुमार, प्रताप पवार, सुरेंद्र सिंह, इन सभी साथियों के सबसे पहले करेक्ट आंसर आए। हालांकि आंसर और भी करेक्ट आए लेकिन ये सबसे पहले करेक्ट आंसर आए। इसके बाद जो आज के लिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बाबर ने बाबर नामा की जो रचना की थी, अपनी आत्मकथा की रचना की थी, लेकिन बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना करी थी, बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो साथियों अभी हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा आप जानते हैं कि आयु सीमा में बदलाव, इसकी एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है और जैसा कल आपको मैंने बताया था कि एमपी के अंदर भी जो आयु सीमा है उसमें बदलाव किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर बदलाव नहीं हो सकता, हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसके रिगार्डिंग साथियों जैसा आप जानते हैं कि हमने पहले भी कुछ प्रयास करे थे, आप लोगों ने भी प्रयास करे थे, तो अभी हमने कल मैं और हमारे जो प्रदीप सर हैं, एक सफर मेरे साथ वाले जो सर हैं, हमने मिलकर उस पर डिस्कशन किया कि क्या हो सकता है। हालांकि उन्होंने एलजी साहब को लेटर भी लिखा था, इसके बाद लोकेश जी एक एडवोकेट है उनके जानकार, तो उनसे भी उन्होंने डिस्कस किया था। तो मैंने भी अशोक अग्रवाल सर से इसके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन अशोक अग्रवाल सर ने बोला था कि अभी जो जुलाई है, जुलाई फर्स्ट वीक, उसमें एक बार जैसे भी कैंडिडेट्स को आप भेज देना, हम डिस्कशन करेंगे इस पर। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, अब डिस्कशन करेंगे, आप लोगों की संख्या कितनी होगी वो देखने वाली बात होगी। अगर आप एक दो वहाँ पे जाते हैं तो फिर कुछ इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने इस पर काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया और जल्द ही हम कुछ और स्टेप लेने वाले हैं और आपके आपके लिए एक अच्छी खबर होगी। और साथियों ये नहीं है कि आयु सीमा में बदलाव के लिए हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी हमने जो डिस्कशन किया इसके बाद दो और भी कुछ स्टेप लिए जाएंगे, एलजी साहब तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जैसे आपको पता है पहले हमने लेटर भेजा था लेकिन उस लेटर का भी जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ जैसे बीच में कैंडिडेट हैं, बीजेपी के कुछ कैंडिडेट हैं, उन सर ने बताया था कल जैसे डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद उनके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे आप लोगों की मांगें जरूर रखेंगे। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं, जैसा आप जानते हैं कि प्रदीप कौशिक सर कल उन्होंने 10,000 जो YouTube फैमिली मेंबर्स हैं उनका मुकाम हासिल किया, तो इस पर मैं उनको दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भगवान उनके चैनल को ऐसे ही ग्रो करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथियों मैं जो स्टार्टिंग में मैं उनकी वीडियो मैंने देखी एक दो, बहुत अच्छा लगा दिल से कि बंदा इतना जेन्युइन है। और आप देखते होंगे, देखो 10,000 आप सोच के देखिए एक बार कि जेन्युइन लोगों को, मतलब 10,000 जेन्युइन लोगों को अपने साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं कोई फेक न्यूज़ देखे, फेक न्यूज़ देखे बंदा कितने भी जोड़ सकता है, लेकिन जेन्युइन चीज़ें देखे, डायरेक्ट चीज़ें देकर 10,000 लोगों को अपने साथ जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो साथियों मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं कि मतलब सर का चैनल, मुझे लगा कि अपना चैनल ऐसे ग्रो कर रहा है। तो मैं दिल से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो भी उनको देखते हैं आप भी उनको सपोर्ट करें, नहीं देखते तो आप भी देखें उनका सर का चैनल भी। तो साथियों अभी मैं आपके लिए कुछ और बताना चाहता हूँ, वैकेंसीज़ के बारे में भी बात आ रही है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे कि एनटीटी स्पेशल
पीआरटी वगैरह इनकी वैकेंसी सभी की वैकेंसी आने वाले हैं, तो एनटीटी वाले कुछ साथी कुछ नाराज हो रहे थे, स्पेशल वाले भी, कि हमारे बारे में बात नहीं की जाती। तो आप टेंशन ना लें, सभी का हमें ख्याल है, और आप लोगों के बारे में मतलब आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करना ही हमारा कार्य है। तो आप टेंशन ना लें, आप लोगों के लिए जो भी हमसे प्रयास होगा हम करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है एनटीटी की वैकेंसीज स्पेशल वाली, फिजिकल एजुकेशन वाली, ड्राइंग वाली, ये जो मिसलिनियस कुछ पोस्ट हैं, तो इनकी वैकेंसीज भी जरूर आएंगी, आप टेंशन ना लें। और हम कोशिश कर रहे हैं इस रिगार्डिंग भी, अगर लगता है हमें, हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी वैकेंसीज आएंगी, अगर लगता है कि वैकेंसीज नहीं आई हैं तो हम अपने लेवल से प्रयास करेंगे, आप लोग हमारे साथ आए, नो प्रॉब्लम। तो साथियों बिल्कुल टेंशन लेना आप बिल्कुल, और ऐसा नहीं है वैकेंसीज बहुत आने वाली है, प्रिपरेशन में आप लग जाइए। काफ़ी फ्रेंड्स के क्वेश्चन आते हैं बार बार की वैकेंसीज जरूर आएंगे, जैसा आप देख रहे हैं वैकेंसीज का पूरा मतलब पिटारा खुल चुका है, तो आप लगे रहिए। बस यही है कि प्रिपरेशन बना के रखें, फिर ये ना रहे कि आप प्रिपरेशन थी नहीं, वैकेंसीज हाथ से निकल गई, तो बहुत दुख होता है बाद में। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर लगा आपको कि वीडियो ने आपका टाइम वेस्ट किया तो आप बेझिझक इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, अपने सुझाव अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।